दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ, मैं पति के बिना ससुराल में नहीं रहूंगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सिया बहू सोच समझ कर फैसला ले लिया था, अब जितना जल्दी हो सके अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। इस फैसले के बाद उसका मन शांत हो गया और अतीत की सुखद यादों में खो गई। पापा सीए, मम्मी इंजीनियर और भैया एक कंपनी में एसआर और मैं पीएचडी कर रही थी। हम लोग दिल्ली के एक पोस्ट इलाके में रहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर कार्यरत संजय पापा को बहुत पसंद आया। मम्मी से राह विचार किया, सिया दिल्ली से सीधे मुंबई चली जाएगी। संजय की पोस्टिंग मुंबई में थी। परिवार बिहार के एक छोटे से शहर में रहता है। संजय के पापा स्कूल में प्रिंसिपल थे, रिटायरमेंट के बाद वही घर बना लिए। संजय का एक छोटा भाई और एक बहन है, दादी है, सब लोग एक साथ रहते हैं। सिया मुंबई रहेगी संजय के साथ। सिया संजय से पहली मुलाकात में ही बहुत प्रभावित हुई। खूबसूरत व्यक्तित्व, गंभीर और मृदुभाषी एक नज़र में ही सिया को भा गया। धूमधाम से सिया की शादी हो गई। शादी के सिया ससुराल आई हसमुख स्वभाव के साथ। सुलबुली सी ननन और शर्मिला देवर सिया का बहुत ख्याल रखते। एक सप्ताह में सिया ने महसूस किया सासू माँ किसी के आने पर सिया को दुपट्टे से सिर ढकने को कहती। सूट पहनने की सूट अगले दिन से ही मिल गई थी, जबकि आसपास की बहुएं इस सूट से वंचित थी। दादी भी सिया को अपने पास बैठाकर खूब बातें करती। सुबह ना कर आती तो सास ननन दोनों मिलकर पीले रंग की साड़ी पहनाती और फिर मंडप में बैठाकर नाक से मांग तक पीला सिंदूर लगाती और सिया के पसंद की मिठाई आसन में देती। अपना रूप देख सिया खुद ही लजा जाती। देवर सुबके से कभी पानी पूरी कभी जलेबी समोसे लाकर सिया के कमरे में रख देता। 7 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। नम आँखों से सबने जल्दी आने का वादा कर सिया को विदा किया। मुंबई में रहकर भी सिया को ससुराल बहुत याद आता। अभी मौका सौका सुहाई की रस्म भी बाकी थी, जिसे अगली बार आने पर पूरा करने की बात माँ ने कहा था। छोटी ननन सुबह की शादी नवंबर में थी और शादी के बाद सिया के ससुराल में उसका पहला सख्त पर्व था। संजय ने सिया को पहले ही फ्लाइट से भेज दिया और खुद एक दिन पहले आकर सुबह की शादी के बाद जाने का प्लान किया था। सुबह सिया के साथ शादी को शॉपिंग करती माँ एक दिन उन दोनों के साथ बाजार गई और सिया के पसंद से एक साड़ी और एक लहंगा चोली खरीदी। सिया ने बहुत मना किया, मेरी शादी की साड़ी अभी वैसे ही नहीं पड़ी है, पर माँ कहाँ मानने वाली थी। सट के ना खा के दिन संजय आ गए। सट पर्व को इतने करीब से सिया पहली बार देख रही थी, क्योंकि मम्मी करती नहीं थी और गांव हम लोग जाते नहीं थे। सुबह और सिया दोनों माँ की सहायता कर रही थी। देवर सुजीत संजय और बाबूजी भी छठ पूजा की तैयारी में लगे थे। इस बार थोड़ा कोसी भरा रहा था, क्योंकि शादी हुई थी खरना के बाद। पहले अध्यय की तैयारी हो रही थी। सिया और सुबह ठेकुआ बनाने और दोरा सूप सजाने में माँ के साथ लगी थी। शाम को सिया दुल्हन की तरह सजकर गंगा किनारे सब परिवार शाम के अध्यय के लिए गई है। अलौकिक अनुभव था सिया के लिए। फिर कौन सी भरा गीत हुए
तीन बजे सुबह ही फिर सब लोग नहा धोकर गीत गाते गंगा किनारे गए। माँ पानी में खड़ी थी बिल्कुल देवी जैसा, तेज उनके सहरे से टपक रहा था। सूर्योदय से कुछ देर पहले सिया माँ के हाथों में सिंदूर एप्पल लगाया, नाक से सिंदूर लगाया, फिर सूप लाकर सबने बारी बारी से माँ को दिया। पूजा संपन्न होने के बाद माँ ने सिया को नाक से सिंदूर लगा गोईसा में ठेकुआ देकर दूधो नाल ओ पुतो फलो सदा सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद दिया। फिर सबको टीका लगा प्रसाद दिया। कितना खुश हो रही थी सिया, कौशीदा ने पटाखे फोड़ने में भी संजय और सुशीत को बाबूजी ने सिया को साथ ले जाने को कहा। फिर गरम गरम पकौड़े और अदरक इलायची की साय सिया और सुबी ने सबको दिया, फिर खुद खाया। गुड़ का ठेकुआ सिया को बहुत पसंद आया। मिट्टी के सुने पर बना सौदी खुशबू वाला खीर और ठेकुआ सिया के लिए नई चीज थी। रात में घर के मर्दों ने मिलकर द्वार पर गोईटा पर लिट्टी और सोखा बनाया। बहुत मजा आया खाकर और फिर सुबह की शादी की रस्में शुरू हो गई। मेहमान आ गए थे, रोज रात में डांस होता, सिया खूब नाचते, दादी और माँ नियालो उसके सिर से पैसे निवास बाढ़ देती। हल्दी मेहंदी सारी रस्में खूब अच्छे से चल रही थी। हंसी मजाक ठाके पंगत में बैठकर खाना, ये सब सिया के लिए नया और सुखद अनुभव था। कभी डांस के बीच कोई संजय को खींच कर ले आता और संजय सिया लजाते सखू साते धीरे धीरे समा बांध देते। माँ और दादी मेहमानों से सिया की तारीफ करते नहीं थकती। हंसी खुशी शादी का दिन आ गया और फिर अगले दिन सबको रुलाकर सुबह ससुराल चली गई। रोती हुई माँ दादी बाबूजी को सिया ने ये कहकर शुभ कराया, ये बेटी है ना आपके पास। घर उदास हो गया था, बेटियाँ घर की रौनक होती हैं। मुंबई जाने से एक दिन पहले संजय के पास मेल आया, कंपनी एक साल के लिए 10 लोगों को US भेज रही जिसमें उसका भी नाम है, 10 दिन बाद जाना है। संजय को इसका बहुत फायदा मिलने वाला था। भविष्य में सिया खुश भी थी और दुखी भी, संजय के बिना 1 साल कैसे रहेगी, दिन तो कट जाएंगे पर रातें हो। मम्मी ने सुना तो माथा पीट लिया, माँ सिया को कहा सीधे दिल्ली आ जाओ, PhD का बाकी काम पूरा करो, कोई जरूरत नहीं ससुराल में रहने का, ना ऐसी है ना मोल छोटा शहर, क्या कस्बा कहो, कभी तुझे गांव लेकर नहीं गई सिया, लाग समझाती या मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे सिया तू बहुत भोली है, मीठा मीठा बोलकर तुझसे सारे काम करवाएगी, तेरी सास सुबह भी नहीं है। मम्मी रोज ऐसी ही बातें करती, एक दिन स्पीकर ऑन कर बात कर रही थी, संजय सारी बातें सुन रहे थे। संजय ने कहा सिया अपनी मम्मी से कम बात किया करो, किसी को जज करो तो अपना दिमाग लगाओ। एक तो संजय से जड़ाई और मम्मी के खिलाफ संजय की बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने भी मम्मी की बात दुरा दी। बिना पति का ससुराल और बिना माँ का मायका नहीं होता। एक बिस्तर पर सास सोई, संजय ने पलट कर भी मेरी ओर नहीं देखा। अगले दिन मुझसे कहा मुंबई जाने से पहले तुझे दिल्ली छोड़ते हुए जाऊंगा, तैयार रहना, जब तुम्हारी इच्छा हो तब फोन करना, टिकट करवा लूंगा एयरपोर्ट से, सूजी तुम्हें पिक कर लेगा। मैंने सुबह से किए वादे, माँ बाबूजी को मेरी कमी महसूस नहीं होने देना, कैसे भूल गई। माँ बाबूजी दादी कितना रो रहे थे मेरे और संजय को विदा करते वक्त, कभी कभी विवेक कैसे सांस छोड़ देता है, बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। 3 महीने में ही मैंने ये महसूस किया कितना अंतर आ जाता है सोच में नजरिया में। एक लड़की के मम्मी पापा भैया के लिए लड़की फाइनल करने में लगे थे, उसके कमरे पर्दे इंटीरियर में व्यवस्थित, PhD में भी मन नहीं लग रहा था। मम्मी पापा और भैया तीनों चले जाते, घर काटने को दौड़ता, सहेलियों से भी मिलने का मन नहीं करता, अपराध बहुत घर करता जा रहा था।
कितने भोले वाले लोग हैं मेरे ससुराल के, कितना प्यार दिया है मुझे, मुझे अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। आज मैं ये महसूस कर रही थी अपने घर आंगन से ज़्यादा सुख और खुशी कहीं नहीं है। मम्मी पापा मेरे अप्रत्याशित फैसले से हैरान है। मम्मी अपनी दलीलें दे रही हैं पर मैं अपने फैसले से अड़ी हूँ। पापा भी मन से एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। कैब बुक कर घर पहुँच गई। बाबूजी गाड़ी की आवाज़ सुन बाहर आई, मुझे देख उनकी आंखें भर आई। माँ को आवाज़ दी, माँ दादी सुझे सब बाहर आ गए। माँ लिपट गई, अब तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। सुबह गई तो संतोष कर लिया, तू तो है ना। दादी भी आंखें पोस रही थी, माँ आप कमजोर लग रही हैं, बीमार थी क्या, अब तू आ गई है सब हरा भरा हो जाएगा। मेरा घर आंगन मुस्कुरा उठा है। और रात में सुजीत ने वीडियो कॉल करके संजय को मुझे दिखाया तो संजय के उदास चेहरे पर मुस्कान खिली।